का पाठ पढ़ाने वाली खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। इस बार भिवानी में महिला एसआई को एंटी करप्शन की टीम ने 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी मुताबिक पुलिस थाने में एक महिला का केस चल रहा था जिसमें कुछ पैसे की रिकवरी करनी थी। आरोप है कि इसी रिकवरी की एवज में वहां तैनात मामले की जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी ने 5000 रुपए की मांग की, जिसको लेकर शिकायतकर्ता महिला ने हिसार एंटी करप्शन टीम को शिकायत दी। इस महिला की शिकायत पर हिसार और भिवानी एंटी करप्शन की संयुक्त टीम ने सब इंस्पेक्टर मुन्नी देवी को भिवानी लघु सचिवालय के पास से 5000 रुपए रिश्वत लेते धर दबोचा। आज एक शिकायत मिली थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि भाई एक मुन्नी नाम के सब इंस्पेक्टर है जो रिश्वत के पैसे मांग रही है, जिसको पूरी टीम तैयार की गई और टीम तैयार करने के बाद रेड की गई। रेड करने के बाद मुन्नी सब इंस्पेक्टर से 5000 रुपये रिकवर किए गए। कितने रुपए की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी? और 5000 रुपये ही रिकवर हुए हैं और लेडीज़ की पैंट से ही रिकवर हुए। किस मामले में ऐसा है? ये एक रजनी नाम की लड़की थी जिसका कोई पर्चा दर्ज था 346 का भवानीखेड़ा थाने में। उसकी रिकवरी को लेकर कोई मामला था जिसके कारण जो कृष्ण नाम का जो एक्यूज बनाया गया था उसी से ही रिश्वत की डिमांड की गई थी। ये महिला ऐसा ही कहाँ पर क्या करियर थी सर? फिलहाल भवानीखेड़ा थाने में थी, बता रही हूँ। तो हिसार विजिलेंस टीम के द्वारा रेड की गई मामले में या भिवानी ये रेड इकट्ठी हुई थी? हाँ, फिलहाल क्या कार्रवाई अमल में लाई? अभी गिरफ्तार किया गया है मुन्नी को, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो अमल में लाई जा रही है। पहले भी कोई ऐसा मामला दर्ज हुआ मुन्नी पे? नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है, पूछताछ जारी है। आपका क्या नाम सर? मेरा विजय। जहां एक तरफ आम जनता को कानून की तरफ से नियमों की पालना करने की सीख दी जाती है, वहीं हर दिन खाकी दागदार होने की खबरें भी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जब सुरक्षा कर्मी ही आरोपी बन बैठेंगे तो कानून कौन हाथ में लेगा? भिवानी से जगबीर घंगस की रिपोर्ट, न्यूज 18, हरियाणा।